साहब, अरे साहब, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, मुझसे सुनिए। आज हम सबसे पहले सुरक्षित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे घर को जा सकते हैं, कोई हमें नहीं छेड़ सकता। लेकिन ऐसा भी टाइम था कि बुलेंस से निकल के मिलिया पे ही लूट हो जाती थी। एक एक करके आ रहा हूँ ना, एक ही तरफ रह जाऊंगा फिर वो कहेंगे। ठीक है, आपने ढेर सारी बातें गिनाई, मैं आ रहा हूँ सर आप लोगों पर, तो आप लोगों से ही मुझे बात करनी। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वैसे जो एक आवाज आई थी ना, वो ये थी कि ये जो सारी रोड मिले पुल बता रहे हैं 2 महीने में ही दिख रहा है क्या? और ये एक सवाल हो जाता है कि सब कुछ जी आप लोग, सर आप लोग ये सुनेंगे तो वो जवाब देना और वो अंत करना ज्यादा आसान हो। ऐसा है, मैं गरीब समाज से आता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी गरीब की बातें रखूंगा माननीय आज की सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय हमारे सांसद जी से। ये जो आज किसान मजदूरों को नाश दिया जाता है, तो उसमें एक तो चावल आते थे और गेहूं आते थे, मगर अब उसके बाद में एक बाजरा और जोड़ दिया है। एक यूनिट पे 5 किलो आता है, 5 किलो में भी कहीं हद तक 4 किलो रह जाता है, 4 किलो में भी अब बाजरा 2 किलो होगा, 1 किलो चावल हो गए और 1 किलो गेहूं हो गए। अब उसमें आदमी क्या पिसवाएगा जाके एक यूनिट वाला, ये बतला दे। वाजिब मुद्दे, अरे सबको सुनना पड़ेगा ना, सबको सुनना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी फेरिस्त हो जाएगी, सबको 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 आराम से। मैं आप ही पर आ रहा हूँ। ये हमारे एक साथी कह रहे थे, इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूलों में पता ही नहीं हुई है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कायाकल्प योजना प्राइमरी स्कूलों के लिए चला रखी है, और इंटर कॉलेजों के लिए अलंकार योजना जिसमें 25% मैनेजमेंट देता है, 75% जो क्या नाम है अपना गवर्नमेंट देती है। तो ये हमारी योजना है, हमारे जो उत्तर प्रदेश की भाई साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ पता ही भी नहीं हुई है, तो काफी योजना कायाकल्प अलंकार 2 योजना हमारी चल रही है। आप बोल रहे हैं उसमें काम हो रहा है साहब, आप बोल चुके, जो जो नहीं बोले कि एक बार वो आ जाए जी। भाई साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य के इन भाई साहब के लिए इनसे पूछे कि बुलंदशहर जिले में भोला सिंह जी, माननीय सांसद जी ने आपके लिए मेडिकल कॉलेज दिया है या नहीं दिया है, इनसे ये मालूम करिए। ये कहते हैं कि शिक्षा के विभाग में ये पूछे केंद्रीय विद्यालय सेकंड डिवीजन में आपकी शिफ्ट चल रही है या नहीं चल रही है। ये कहते हैं पुताई दुष्यंत जी, मुझे लगता है आपको टेंडर नहीं मिला पुताई का, क्या पुताई के चक्कर में आप पड़ गए? व्यक्तिगत डिबेट मत करिए ना, मुझे क्रियाकलाप जो होते हैं हर साल में, दो योजना मैंने बताई ना आप इनसे पूछिए बुलंदशहर से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था, बुलंदशहर से एक मिनट भाई साहब, बहुत अच्छा मुद्दा, इनसे पूछिए, इनकी सरकारें रही हैं, बसपा की सरकारें रही हैं, इनसे पूछिए बुलंदशहर से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था, आज कितना समय लग रहा है बुलंदशहर से मेरठ, भाई साहब बुलंदशहर से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, गाजियाबाद से देहरादून, ये बताओ कितने विकास किया? ठीक है। दुष्यंत जी और भी लोग हैं, लोकतंत्र में सब बराबर हैं, वहां में एक एक बार बोलने दिया, वापस आवाज इसमें नहीं आएगी ऐसे जी। आप बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा बीजेपी के लोगों से यही मानना है, ये इन्होंने बोला कि सपा ने मील बेच दिए, इन्होंने तो मील बेचे, तुमने तो देश ही बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, कोई 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 अब ये आप मीडिया महोदय, अब ये जब इन पे बात नहीं कर, पहला नारा इधर से है तब तो नहीं देखा, हम भी बोल रहे हैं हर बात है, नहीं मैं ये बता, बसपा ने मील बेचा, ठीक है सुनिए, बसपा ने मील बेचा, इन्होंने देश बेचा, और जब जिस मील की ये बात करें, जब सरकार में आए तो उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करा? दूसरी बात, ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं, मैंने कहा था वाजिब तर्क सुनिए, आप लोग के पास सारे जवाब होंगे, इधर भी जवाब होंगे, ये बताऊंगा, ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं, कौन शिक्षा पे बात करने वाले, इनकी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, हम लड़े हैं सरकार। अच्छा, आप ही के साथी भी कुछ बोलना चाहें जी। देखिए मेरा पहला तो सवाल है, मेरा पहला सवाल है हमारे राष्ट्रीय लोकदल के साथियों से, कि वो ये बताएं कि उनकी अंतरात्मा कैसे जागी कि वो भाजपा में चले गए, कि MSP की गारंटी उन्हें मिल गई या उन्हें जो है 400 गन्ने का रेट मिल गया, पहला सवाल तो इनसे ये है। दूसरा सांसद जी से, शिकारपुर विधानसभा में आज अमर उजाला की फ्रंट लीड है, 5 गांवों ने बहिष्कार किया है कि पिछले 10 साल में उनकी सड़क ऐसी की ऐसी पड़ी है, अहमदगढ़ से रेवाड़ा की रोड। दूसरी बात, सांसद जी ये बताएं कि क्या 5ों विधानसभा में किसी विधानसभा में इंडस्ट्रियल यूनिट इन्होंने लगवाई है?
ये दो सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों से ही सवाल का जवाब। सारे सवाल आ रहे हैं, सारी बातें आ रही है। दुष्यंत जी, लोकतंत्र ये होता है सब बराबर हो। एक व्यक्ति बार बार तो वहां पे भी नहीं दिया मैंने, ठीक है, एक व्यक्ति तो मैंने वहां भी नहीं दिया, इतनी आपको मुझसे उम्मीद करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, इतनी उम्मीद आपको मुझसे भी करनी पड़ेगी, वहां दिया किसी को दो मौका नहीं ना? तो वही मैं सबको सबसे जी मैं आता हूँ फिर वही। ऐसा है, अभी हमारे भाई ने कहा कि भाई पूरा इन्होंने सरकार के बारे में बताया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे सभी विपक्षी नेता बैठे हैं यहाँ, उन्होंने कहा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मेरा सवाल है उनसे कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्होंने कहा भाई अब ये भाजपा का कार्यक्रम है, हम बाद में जाएंगे, मान लेते हैं हो गया, इफ्तार में रोज जा रहे हैं, अभी इफ्तार हो रही है, रोज जा रहे हैं राम मंदिर में 22 तारीख के बाद से आज तक कोई नेता नहीं गया, क्यों नहीं गया ये बता दो आप। हमारी समर्थन की सरकार में 28 पुलों का निर्माण हुआ है, 28 पुल जो नदियों पर और नहरों पर बने हैं, ऊंचे गांव के पास नरसेना पे ऊंचा गांव पे दो पुल बने। तीसरी बात जितना इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।